वेलकम बैक फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस ऑन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। आज हम दिल्ली विकास प्राधिकरण का फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ मैंने इसके बारे में शॉर्ट डिटेल्स लिख दी हैं। देखिए, सबसे पहले दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी न्यू दिल्ली 687 वेरियस पोस्ट्स रिक्रूटमेंट 2023, यानी कि वैकेंसी कितनी है 687 एडवर्टाइजमेंट नंबर 223। इंपॉर्टेंट डेट्स यानी कि क्या अहम अहम तारीखें हैं वो हैं, अप्लाइंग डेट है 3 जून से लेकर और 2 जुलाई तक, 3 जून टू 2 जुलाई। टेंटेटिव एग्जाम डेट 1 अगस्त से 30 सितंबर के बीच में, यानी कि 1 अगस्त टू 30th सितंबर तक कभी भी एग्जाम हो सकता है। एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1000 रुपीस, एससी एसटी पीएच ईएसएम फीमेल इनकी कोई फीस नहीं है। तो अब पहले इसमें देखते हैं हम कि पोस्ट कौन कौन सी। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर एएओ 51, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ 125, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट पोस्ट 9, लीगल असिस्टेंट पोस्ट 15, नायब तहसीलदार पोस्ट 4, जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट 236, सर्वेयर पोस्ट 13, पटवारी, ये पटवार हो गया बाय मिस्टेक, पोस्ट 40, जूनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट पोस्ट 194। कितनी क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या इसके लिए एज चाहिए, ये सारी चीज़ों पर हम डिस्कस इससे पहले की वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और उसकी डिटेल चाहते हैं तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब इसमें हम जो है, जैसे ही हमने लिंक पर क्लिक किया तो यहाँ हमें बताया गया, ये इसी की तरफ से नोटिस दिया गया कि काइंडली यूज़ एज क्रोमियम और मोजिला फायरफॉक्स वर्जन 87 to 104 और गूगल क्रोम वर्जन 82 to 105 और माइक्रोसॉफ्ट एज वर्जन 82 to 105 ब्राउजर टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म। द एप्लीकेशन फॉर्म इज कंपेटिबल विद एंड्रॉयड वर्जन 4.0 एंड अबव एंड आईओएस वर्जन 9 एंड अबव। फील्ड्स यानी कि या तो आपके पास में फायरफॉक्स हो, क्रोम हो या माइक्रोसॉफ्ट एज हो, जिसको हम इंटरनेट एक्सप्लोरर भी कहते हैं, या उसके अलावा आपके पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो 4.0 होना चाहिए या उससे अबव होना चाहिए, या फिर आईओएस का वर्जन 9 होना चाहिए। फील्ड्स मार्क विद रेड स्टार आर मैंडेटरी, जहाँ पर रेड स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी फील्ड है। अब इसके बाद में यहाँ इन्होंने हमें कंडीशन दे बताई है कि रीड द ब्लो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर फिलिंग द फॉर्म। तो इसमें मैं ऐसे ही बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, आपकी जो भी जो भी चीज़ें लिखी जाएंगी पर्सनल डिटेल में, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी आपकी 10th हाई स्कूल या मेट्रिकुलेशन या एसएससी से लिखी जाएंगी। पॉइंट नंबर 2 कि आपकी जो है वो मोबाइल और ईमेल आईडी बदलनी नहीं चाहिए जब आपसे फॉर्म भर रहे हैं और तब तक आप जो है वो जॉब ज्वाइन करेंगे तब तक। इसके बाद में ये है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, अब रजिस्टर टू गेट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। अब इसमें यहाँ सबसे पहले आपको पोस्ट नेम, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट पोस्ट है, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो पोस्ट कोड आपके सामने ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट्स नेम, उसके बाद नोट, प्लीज एंटर योर नेम स्ट्रिक्टली एज पर योर मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट एसएससी। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर, नेक्स्ट कंफर्म मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर दो बार लिखना ताकि गलती ना हो। अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहें तो वो, उसके बाद ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस। देखिए, ईमेल आईडी आपके लिए बहुत मैंडेटरी चीज़ है, अगर मोबाइल नंबर या मेल आईडी आपने चेंज कर दी तो फिर आपका सिलेक्शन होने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। उसके बाद में नोट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड योर करेक्ट मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस एज ऑल इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशंस आर टू बी सेंड टू यूजिंग द सेम। हर चीज़ की कम्युनिकेशन जो होगी वो मोबाइल और ईमेल आईडी पर होगी।
उसके बाद में अब आप यहाँ जब फील्ड सारी फिल कर देंगे उसके बाद जनरेट ओटीपी करेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ और इसके बाद में ये कैप्चा एंटर करेंगे। प्लीज एंटर द इमेज टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइडेड एंड क्लिक ऑन सबमिट टू गेट ओटीपी। यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें आपको करके भी दिखाई हैं कि इसको जो है ओटीपी वैलिडेट किया और सारा कुछ भर दिया। देखिए डिक्लेरेशन, ये ऐसी चीज़ें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आप पढ़कर भी इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि विदाउट चेकबॉक्स पर क्लिक किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप अगर कंडीशंस को नो कहोगे तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपको कंडीशन एक्सेप्ट नहीं है तो फिर फॉर्म ना भरें, वरना इसको बिना देखे ओके कर दें। उसके बाद में यहाँ जो है वो आपने चेकबॉक्स पे क्लिक किया, एग्री किया और आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ ये आपको बता रहा है कि आपका जो है वो पोस्ट नेम क्या है, पटवारी है, कैंडिडेट्स नेम ये है, मोबाइल नंबर ये है, ईमेल आईडी ये है। अगर ये कन्फर्म है तो आप सबमिट कीजिए। उसके बाद में एक अलर्ट मैसेज दिया है इसने कि द इंफॉर्मेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, क्लिक ऑन ओके इफ़ यू हैव वेरीफाइड द इंफॉर्मेशन टू बी करेक्ट and to submit else click cancel to review again and then to submit। अगर आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन सही है तो आप ओके पर क्लिक करें वरना कैंसिल पर करें। एक बार जो आपने भर दिया वो चेंज नहीं होगा। अब आपने ओके किया तो इसने ये सारी चीज़ें आपको बता दी। देखिए कि आपकी जो है वो पर्सनल डिटेल्स क्या है, एप्लीकेशन स्टेटस, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन नंबर DDA 233138 43, इसने रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया, कैंडिडेट नेम, उसके बाद फादर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पोस्ट पटवारी पे मैंने क्लिक किया था, पोस्ट कोड 8 है। उसके बाद में यहाँ पोस्ट अप्लाइड पर इसने बता दिया है ये चीज़ें हैं, जेंडर क्या है मेल, डेट ऑफ बर्थ जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो अपीयर करेंगे। उसके बाद में यहाँ जैसे हम एज डालेंगे ये हमारी एज बता, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे ये हमारी एज बता देगा कि कितने साल के आप हैं। जैसे मैंने 1/1/2000 डाली तो इसने बता दिया 23 साल 6 महीने 2 दिन 2 जुलाई को एज काउंट की जाएगी। अब नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया यही हमें लेना है। उसके बाद में आर यू जे एंड के डोमिसाइल बिटवीन 1st January 1982 31st December 1989, अगर आपके पास ये है तो यस कीजिए वरना नो कीजिए, मेरे पास नहीं है मैंने नो कर दिया है। रिजर्वेशन कैटेगरी अनरिजर्व यानी जनरल। उसके बाद में पर्सनल डिटेल, नेम, फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, रिलीजियन, ये सारा मैंने फिल किया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, टेस्ट प्रेफरेंस सेंटर। इन सारी पोस्ट का टेस्ट का जो सेंटर है वो देखिए सिर्फ एक है, दिल्ली NCR, यानी कि दिल्ली के अलावा अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो तो गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, इनमें भी टेस्ट हो सकता है। उसके बाद में डिस्क्लेमर, कैंडिडेट्स हैव टू चूज टेस्ट सेंटर्स सिटी एज प्रेफरेंस, नो चेंज ऑफ टेस्ट सेंटर विल बी अलाउड लेटर, हाउएवर DDA मैनेजमेंट रिजर्व्स द राइट टू चेंज एनी ऑफ द अबव मेंशन टेस्ट सेंटर सिटी एट इज डिस्क्रेशन एंड ऑल्सो एड और रिड्यूस द नंबर ऑफ टेस्ट सिटी सेंटर। DDA जो चाहे वो कर सकता है, टेस्ट सेंटर बढ़ा दे, घटा दे, आपको कहीं भी भेज दे। उसके बाद में पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी डिटेल्स, ये आपको फिल करना है। अगर फिजिकली चैलेंज है कोई, कोई माजूरी है तो वो अगर 40% का सर्टिफिकेट तो यस करें वरना नो, मैंने यहाँ नो कर दी, एक्स सर्विस मैन नहीं है तो मैंने नो कर दिया है। उसके बाद में डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय नहीं है, मैंने नन ऑफ दीज कर दिया है। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट किया मैंने। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ एड्रेस, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड या पोस्टल कोड, और उसके बाद में ये आपका परमानेंट एड्रेस है या नहीं। अगर नहीं है तो आप नो करके दूसरा एड्रेस फिल करेंगे और अगर है तो यस, मैंने इसको यस कर दिया। अब देखिए इसने मेरा पूरा दे दिया है कि हाउस नंबर कहाँ कहाँ है, पोस्ट कोड, उसके बाद कंट्री इंडिया, स्टेट दिल्ली NCR, डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। उसके बाद में मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया। अब ये कह रहा है कि मेट्रिकुलेशन 10th डिटेल्स, आपके पास जो फॉर्म भर रहे हैं तो 10th की भी मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की भी, ग्रेजुएशन की भी, आपके फ़ोटो होने चाहिए, साइन भी होने चाहिए। अब यहाँ इसने मुझसे 10th की डिटेल मांगी है, नेम ऑफ द बोर्ड काउंसिल, तो CBSE दिल्ली से मेरा 10th है, ईयर ऑफ पासिंग जो है वो 2016 है इस कैंडिडेट की, 2016, इस इंस्टीट्यूट का नाम GB SSS नूरनगर है। उसके बाद में एग्ज़ाम में परसेंटेज है या
CGPA है तो परसेंटेज है, मैक्स मार्क्स ऑप्टेंड जो है वो 387 387 नंबर आए हैं और कितने में से आए हैं 500 में से। ऑटोमेटिक इसने परसेंटेज दी है 77.40 77.4। उसके बाद में इंटरमीडिएट ट्वेल्थ डिटेल्स यानी कि ट्वेल्थ की क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ये बोर्ड या काउंसिल का नेम जो है वो CBSE दिल्ली है, ईयर ऑफ पासिंग 2 साल के बाद 2018 हो गया है, सेम स्कूल है। उसके बाद में परसेंटेज में है, मार्क्स ऑप्टेन 396 है 500 में से, तो 79.20 ऑटोमेटिक इसने परसेंटेज फिल कर दी। उसके बाद में डिग्री, क्योंकि ग्रेजुएशन मांगा तो यहाँ पर ग्रेजुएशन तक कंपलसरी था, डिग्री ग्रेजुएट डिग्री इसमें सेलेक्ट किया मैंने, SOL यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी से है कैंडिडेट का, उर्दू इंग्लिश हिस्ट्री पढ़ी है कैंडिडेट ने, और जो मार्कशीट प्रिंट होकर आई है पासिंग ईयर जो है वो December 2021 है, December 2021 में इन्होंने पास किया है। परसेंटेज है, टोटल मार्क्स जो है वो 967 आए हैं, मैक्सिमम मार्क 1400 थे तो 69.07 हो गया। ये इनकी तीनों डिटेल्स हो गई 10th 12th और ग्रेजुएशन की। एडिशनल क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास एमए है डीएड है बीएड है एमफिल है पीएचडी है वो फिल कर सकते हैं, मेरे पास इस कैंडिडेट के पास नहीं है तो इन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि अपीयर है इनका मास्टर्स, इन्होंने नहीं फिल किया है। उसके बाद पूछा गया डू यू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, अगर आप नो करोगे तो मे बी आपको जॉब ना मिले, तो इसीलिए इसको यस करना है क्योंकि बिना कंप्यूटर चलाए आपको कोई काम नहीं हो सकता। डू यू हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू हिंदी, ये बहुत अहम चीज़ है कि आपको उर्दू और हिंदी दोनों आती, उर्दू हिंदी में से कोई एक आती है या दोनों आती है या नहीं आती, तो यहाँ मैंने इस कैंडिडेट के लिए यस किया है क्योंकि कैंडिडेट को दोनों लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छे से आती हैं। उसके बाद मैंने नोट दिया ट्रेनिंग शैल बी इम्पार्टेड टू द न्यू इनकम्बेंट्स बाय द डिपार्टमेंट एंड प्रोबेशन शैल बी लिफ्टेड ओनली ऑन सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग, कि टेस्ट उसके बाद में जो ट्रेनिंग होगी वो ट्रेनिंग जो है वो प्रोबेशन पीरियड में होगी, प्रोबेशन पीरियड जो है वो किसी का भी बढ़ाए जो है वो तभी कम्प्लीट माना जाएगा जब वो ट्रेनिंग कम्प्लीट कर ले। उसके बाद मैं इसको मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है। इनका डॉक्यूमेंट्स अपलोड में यहाँ पर अब आपको अपना फ़ोटो देना है, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसके बाद में सिग्नेचर, उसके बाद में पेमेंट्स में जाना है। यहाँ पेमेंट्स में जाने के लिए 1000 रुपीज़ मांगे हैं और यहाँ आपको जितने भी चेकबॉक्स हैं सब पे क्लिक करना है, क्या लिखा हुआ है चेकबॉक्स में क्या नहीं ये आप जानकर ना तो कोई फ़ायदा कर सकते हैं ना इसके जाने बिना कोई नुकसान है, क्योंकि नो अगर आप चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं करोगे फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस पे चेकबॉक्स पे क्लिक किया हमने और उसके बाद में 2 3 4 चेकबॉक्स हैं, इसके बाद उसने जो है वो ये कैप्चा एंटर किया और इसको जो हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद जो है वो फीस सबमिट हमारी हो चुकी थी, फोटो हमारे अपलोड हो चुके थे, डॉक्यूमेंट्स हमारे अपलोड हो चुके हैं, सारे डिटेल्स फिल हो गए। उसके बाद में इसने हमें फाइनल PDF दे दी है। फीमेल SC ST या PH के लिए जो है वो फीस वाला कॉलम आएगा ही नहीं, फ़ोटो के फौरन बाद PDF मिल जाएगी। ये इस तरीके से हमारा फॉर्म है, जिसकी जितने फॉर्म्स में एलिजिबिलिटी है वो फॉर्म ज़रूर भरें। कहीं कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में या कंडीशंस और टर्म्स को समझने में तो आप जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ईमेल ID, टेलीग्राम मैसेज या टेलीग्राम कॉन्टैक्ट भी दिया हुआ है। इससे पहले जो इसका एडवर्टाइजमेंट आया था उसकी वीडियो भी बना दी गई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो फॉर्म भरिए, इसके कंटेंट के लिए कि इसका क्या सिलेबस होगा, कैसे तैयारी की जाएगी, इसके सिलेबस को इंशाल्लाह हिंदी और इंग्लिश में लाइन बाय लाइन वो आपको बहुत जल्द वीडियो की शक्ल में उसको डिफाइन किया जाएगा और PDF में उसको आपको शेयर किया जाएगा।